सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक पीस में। तो आज हम वीवो यूजर्स के लिए लाए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन। बात करें इनकी तो ये 15,000 से लेकर 60,000 के रेंज के फ़ोन हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। बात करें इनकी और अगर इनके देखे जाए तो इनके परफॉर्मेंस, इनके अंदर अपने कैमरा सेटअप और इनकी बड़ी बैटरी और इनकी बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो वीवो यूजर्स हैं उनको पता नहीं होता कि हम किस प्रकार का फ़ोन परचेज करते हैं और किस रेंज के अंदर अगर हमें फ़ोन लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो हम उनके लिए लाए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन। तो वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं सभी के फ़ोन्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स और उनके प्राइस। तो सबसे पहले अपने लो प्राइस की बात करते हैं। तो लो प्राइस के अंदर अपना पहला फ़ोन निकल कर आता हुआ है वीवो का T1, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फ़ोन है। अगर इस रेंज के अंदर बात करें, अपने अंडर 15,000 की बात करें, तो बेस्ट स्मार्टफोन इसे कह सकते हैं। इसके अपने प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 680 का, और इसके अंदर अपने डिस्प्ले की बात करें तो वो आपको 6.4 इंच की बड़ी डिस्प्ले इसके अंदर मिलने वाली है। बैटरी की बात करें तो बैटरी इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में आने वाली है। और अपने इसके रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो उसके अंदर अपने ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का सेकेंड और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा अपने को मिलने वाला है। इसके अपने फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसके अंदर मिलेगा। और इसके अपने प्राइस की बात करें तो यह आपको 14,500 के अराउंड आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। इस रेंज के अंदर देखा जाए ना तो ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन और बेस्ट स्मार्टफोन इसे कह सकते हैं इस रेंज के अंदर। अगर हम नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो दोनों ही फ़ोन अराउंड 25,000 के हैं। दोनों फ़ोन बड़े ज़बरदस्त है, जिसमें से पहला है हमारे पास वीवो V25। इसके अंदर अपने प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर मीडियाटेक डेंसिटी 900 का प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड 8 मेगापिक्सल का और थर्ड इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4500 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, जो आएगी 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में। और इसकी अपने बात करें डिस्प्ले की, तो आपको 6.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले इसके अंदर मिलने वाला है। प्राइस आपको बताई थी कि 25,000 के राउंड, और थर्ड फ़ोन है वो भी अपने 25,000 के राउंड ही है। तो वो है अपने पास वीवो V23, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। दोनों ही फ़ोन की बात करें तो दोनों फ़ोन बेस्ट फ़ोन अंडर 30,000 कह सकते हैं दोनों को ही, और ग्रेट कैमरा फ़ोन भी इसे 30,000 के अंडर कह सकते हैं। उसके अंदर प्रोसेसर है मीडियाटेक डेमसिटी 920 का, और इसके अंदर रियर कैमरा सेटअप है वो है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसके अंदर अपने को प्राइमरी कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, और अपने पास 8 मेगापिक्सल का सेकंड और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो अपने को ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसके अंदर 50+8 मेगापिक्सल के 2 कैमरा अपने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर भी बैटरी आपको 4200 mAh की बैटरी इसके अंदर मिलने वाली है, जो 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में मिलेगी। डिस्प्ले इसकी भी सेम ही है, 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, और इसे अपने बेस्ट फ़ोन अंडर 30,000 कह सकते हैं। और अगर हम फोर्थ फ़ोन की बात करें तो वो है हमारे पास वीवो V27 Pro। जी हाँ, बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोन है। बात करें इसकी तो ये 40,000 के अराउंड मिलने वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा शानदार फ़ोन है, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन कह सकते हैं, बेस्ट फ़ोन अंडर 40,000 इसे कह सकते हैं। इस रेंज मिड रेंज के अंदर देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन भी इसे कह सकते हैं। और इसका स्कोर भी अपने बात करें तो 91% स्कोर है आउट ऑफ 100 से। और अपने इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर मीडियाटेक डेमसिटी 8200 का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अंदर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर रियर कैमरा सेटअप ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर अपने 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंड और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा की इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर अपने को 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर बैटरी आपको 4600 mAh की बैटरी मिलेगी, जो आएगी 66 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में। डिस्प्ले वही 6.7 इंच का इसके अंदर डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा। प्राइस की बात करें तो ये आपको 38,000 के राउंड ये फ़ोन मिलने वाला है। इस रेंज के अंदर देखा जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है ये। अपने पांचवें फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे पास वीवो X95। वीवो तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोन है। अगर बात करें इसकी तो ये 96% तक स्कोर किया हुआ है इसने आउट ऑफ 100 से। बहुत ही पॉपुलर फ़ोन है। इसकी बात करें ये ग्रेट कैमरा फ़ोन भी इसे कह सकते हैं, बेस्ट फ़ोन स्मार्टफोन भी इस रेंज के अंदर इसे कह सकते हैं। और इसके प्रोसेसर के मामले में बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोन है ये। सबसे पहले अपने इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर लगा है मीडियाटेक डेमसिटी 9200 का प्रोसेसर, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। सेकंड अपने इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर कैमरा सेटअप अपने लगा हुआ है वो है
50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का सेकंड और 12 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलेगा। और अपने फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो इसके अंदर मिलेगा आपको 32 मेगापिक्सल का। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर भी आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी 6.7 इंचेस की। अगर इसके अंदर बैटरी की बात करें तो वो भी आपको 4800 एमएएच की बैटरी इसके अंदर मिलने वाली है, जो आएगी 120 वोल्ट के फ्लैश चार्जर के साथ में। प्राइस की बात करें तो ये आपको फ़ोन मिलेगा अराउंड 60,000 के तकरीबन, ये आपको फ़ोन मिलने वाला है। तो पांचों के पांचों फ़ोन बड़े ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसमें से 15,000 से लेकर 60,000 की रेंज के अंदर आप अगर कोई भी फ़ोन परचेज करना चाहते हैं उनमें से, तो ये आपके लिए बेस्ट होंगे। और आपको कौन सा फ़ोन बढ़िया लगा हमें कमेंट करके बताएं। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।